जय भीम, नमो बुद्धाय। दोस्तों, मैं राहुल नागपाल और आप देख रहे हैं राहुल लाइव पिचासी। नव वर्ष लग चुका है, आज 2 तारीख है। सबसे पहले तमाम दर्शकों को हैप्पी न्यू ईयर। सबको नया न्यूतन वर्ष जो है वो बहुत बहुत मंगलमय और बहुत बहुत लाभकारी हो। और इस वर्ष में हम 2022 का विधानसभा चुनाव उत्तर प्रदेश जो है वो बहुजन समाज पार्टी और तमाम राजनीतिक दल जो है वो लड़ने जा रहे हैं। तो सभी मैं तमाम प्रदेश के और 5 राज्यों के लोगों से को ये तथागत बुद्ध से कामना करूंगा कि चुनाव संपन्न अच्छे तरीके से, प्यार मोहब्बत से, लोकतंत्र को ध्यान में रखते हुए, संविधान की रक्षा सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए संपन्न हो और सब लोग प्यार मोहब्बत के साथ में चुनाव को अंजाम दें। दोस्तों, बहुत लंबे समय के बाद में आप लोगों से मैं रूबरू हो रहा हूँ, कई महीनों के बाद में, क्योंकि मैं भी थोड़ा सा बिजी रहा। बसपा, आपको मालूम है कि मैं बसपा ज्वाइन करने के बाद में शायद पहली बार लाइव जो है वो अपने चैनल पर हूँ। तो कई महीनों के बाद मैं कोई वीडियो, पर्सनल वीडियो अपना बना रहा हूँ अपने चैनल पर। तो और वीडियो बनाना भी इसलिए ज़रूर पड़ा है क्योंकि एक विषय ऐसा है जिसको मैं समझता हूँ कि आप तक वो बात जरूर पहुँचनी चाहिए, क्योंकि बात बहुत महत्वपूर्ण है। और बात इसलिए महत्वपूर्ण है कि जो लोग चाहे तो मेनस्ट्रीम मीडिया के हों और चाहे सोशल मीडिया के हों और चाहे अन्य राजनीतिक दलों के हों, बसपा को छोड़ करके जो लोग ये कह रहे हैं कि बहुजन समाज पार्टी फाइट में नहीं है, माने बहन जी बाहर नहीं निकल रही है, बहुजन समाज पार्टी जो है वो डबल डिजिट में भी नहीं पहुंचेगी, बहुजन समाज पार्टी वगैरह 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 बहुत सारे वगैरह जो है बहुजन समाज पार्टी के आगे और पीछे लगाए जा रहे हैं। लेकिन मैं ये बताना चाहता हूं कि एक ऑडियो मैं आपको सुनवाऊंगा जिससे आपको ये मालूम हो जाएगा कि किस प्रकार से बहुजन समाज पार्टी का जो काम है वो बोल रहा है और विपक्षी दलों के चाहे तो विधायक हैं, चाहे नेता हैं, चाहे पदाधिकारी हैं, उनके हाथ पैर जो है वो फूले हुए हैं। मैं बात कर रहा हूँ दिल्ली से सटे लौनी विधानसभा क्षेत्र। लौनी विधानसभा क्षेत्र जो कि उत्तर प्रदेश का एक बड़ा विधानसभा क्षेत्र, उत्तर प्रदेश विधानसभा का, पहले बहुजन समाज पार्टी के जाकिर अली यहाँ पर जो है वो बहुजन समाज पार्टी से विधायक रहे हैं। पिछली बार नंद किशोर गुर्जर बीजेपी के यहाँ जीते थे, वर्तमान में वो यहाँ विधायक हैं। और अब बस नंद किशोर गुर्जर और उनके एक समर्थक से जुड़ी बातचीत है जो मैं आपको, जिसके बारे में मैं आपसे डिस्कस करने जा रहा हूँ। बात यह है कि जब यहाँ पर बहुजन समाज पार्टी ने चौधरी आकिल लंबे समय से बहुजन समाज पार्टी की विचारधारा से जुड़े रहे हैं, क्षेत्र के जनप्रिय हैं, लोग प्यार करते हैं, क्षेत्र में काम किया है, जन जन का सम्मान वो करते हैं, इसी तमाम खूबियों को ध्यान में रख करके माने बहन जी ने और पार्टी के शीर्ष नेतृत्व ने उनको अपना प्रत्याशी घोषित किया है। लेकिन पार्टी ने उनको जैसे ही प्रत्याशी घोषित किया तो उसके बाद में जो क्षेत्र की बेचैनी बढ़ी है वो आप सुनिए और समझिए कि जो लोग ये कहते हैं कि बहुजन समाज पार्टी कहीं फाइट में नहीं है, उनको अभी अंदाजा हो जाएगा कि बहुजन समाज पार्टी फाइट में ही नहीं बल्कि सरकार बनाने जा रही है। और एक विधानसभा, लौनी विधानसभा की ये 2 मिनट का ऑडियो है जो नंद किशोर गुर्जर साहब जो यहाँ विधायक हैं उनके और उनके समर्थक के बीच की बातचीत है जो वायरल हुई है तेजी से, ऑडियो है, आप इसको सुनिए, जिसमें नंद किशोर गुर्जर को उनका समर्थक ये कहकर के बता रहे हैं कि विधायक जी, में दिल्ली से खबर आ रही है कि बसपा ने चौधरी आकिल को अपना प्रत्याशी बनाया है। तो गुर्जर साहब कह रहे हैं, विधायक जी कह रहे हैं कि अगर ऐसा हुआ है तो गलत है, हम चुनाव हार जाएंगे क्योंकि यहाँ पर 168,000 वोट मुस्लिम हैं और बसपा का अपना वोट है, अगर ये दोनों एक जगह मर्ज हो जाएंगे तो फिर हम वो जीत जाएंगे और हम चुनाव हार जाएंगे। तब आप समझ जाइए कि जो लोग ये कह रहे हैं कि मुसलमान तो इस बार सपा को जाएगा, अब उनको समझ जाना चाहिए कि ये बीजेपी भी जानती है कि मुसलमान सपा को नहीं जाएगा, मुसलमान टोटल बसपा को जाएगा। आप पहले ये ऑडियो सुन लीजिए। हेलो हेलो जी, माननीय विधायक जी प्रणाम। प्रणाम, क्या हाल है विधायक जी? आशीर्वाद है और ठीक विधायक जी। विधायक जी, एक सूचना मिली है दिल्ली से, मेरे जो अपने जो सूत्र लग रहे हैं कि हाजी अकील का टिकट हो रहा है बसपा से। टिकट हो रहा है जी विधायक जी? अरे कब की सूचना है? अभी विधायक जी, अभी थोड़ी देर पहले की है, इवनिंग की। हाजी अकील का टिकट हो रहा बसपा से। और एक सूचना और विधायक जी दिल्ली से प्राप्त हुई है कि जो पूर्व विधायक रह चुके हैं मदन भैया जाबली वाले, उनका टिकट लोकदल से हो रहा है। लोकदल से हो रहा है जी विधायक जी? और इसमें तो यार कुछ करना पड़ेगा हमें, ऐसा है ना, हाजी अकील का टिकट होना ही घातक है जी। टिकट अगर ये तो चेयरमैन का हो जाता, उन्होंने उनका भी प्रयास सुना था, प्रयास है जी जी जी। हालांकि अकल का होने से क्या है, 168,000 मुस्लिम वोट है, बिल्कुल है विधायक जी, उनका वोट है बीएसपी वाला जी, ये हो जाएगा। और अगर मुसलमान इस तरह से उधर भी डाइवर्ट हो रहा है जी विधायक जी, तो अगर चेयरमैन का लोकदल से हो जाए या तो भाजपा से हो जाए ना जी विधायक जी, पार्टी से हो जाए जी, तो बहुत आसान हो जाएगा, मुकाबला टफ हो जाएगा
हाजी अखिल का, ये मदन भैया गुजर बोर्ड तो कुछ काटेंगे ही जी विधायक जी, उनका ना हो गए चेयरमैन का हो जाए तो चुनाव जो है तब आसान है हमारे लिए जी विधायक जी। इस पर तो सही सूचना पता करो, हमें ये जानकारी है कि बसपा से या लोकदल से कहीं ना कहीं से चेयरमैन प्रयास कर रही हैं और वो हो जाए तो हमारे लिए बेहतर है जी विधायक जी। ठीक है, बाकी एक बार जो दिल्ली हमारी टीम बैठी है तो अभी अभी जो बैठी है वो बात अलग है जी विधायक जी, लेकिन कुछ इसमें चिंता करो, मुस्लिम का नहीं होना चाहिए, मुस्लिम लामबंद हुआ तो ये बहुत खतरनाक समीकरण है। इस बार बंटवारे के कारण थोड़ा सा हमारा चुनाव निकल पाया था, अगर बंटवारा नहीं होता इसलिए इस पर चिंता करने की जरूरत है। बाकी मैं देखता हूँ, मैं बात करता हूँ, क्या बात करता हूँ। ठीक है विधायक जी, जो हमारी दिल्ली टीम बैठी है मैं बताता हूँ जी विधायक जी, थोड़ा बता देना, मैं पता करता हूँ। ठीक है विधायक जी। तो दोस्तों ये ऑडियो था जो आपने सुना और मैंने सुनवाया आपको इसलिए ताकि आपको ये पता चल जाए कि आखिरकार ग्राउंड की सच्चाई क्या है। अखिलेश यादव जी रथ लेकर के निकल रहे हैं, मोदी जी की सभाएं जो हैं वो उत्तर प्रदेश के अंदर फिक्स हो चुकी हैं, उधर जेपी नड्डा साहब की हो चुकी हैं, राजनाथ सिंह की हो चुकी हैं, दूसरी तरफ गृह मंत्री अमित शाह साहब की हो चुकी हैं, यानी बड़े चेहरे उत्तर प्रदेश में उतारने की बीजेपी ने तैयारी कर ली है। और माने बहन जी के बारे में कहा जा रहा है कि माने बहन जी अपने महल से नहीं निकल रही हैं, लोग इस तरीके की भाषा का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन माने बहन जी ने जिस प्रकार से अपनी गोटियाँ सेट की हैं उनको लोगों को मालूम नहीं है, वो काम बोल रहा है, क्योंकि बहन जी ने जो काम किया है वो दिखाई दे रहा है आपको। और आपको बता दें कि जिस प्रकार से माननीय सतीश चंद्र मिश्रा ने पिछले दिनों 75 जिलों में ब्राह्मण सम्मेलन किए, प्रबुद्ध सम्मेलन किए और 18 मंडलों पर उन्होंने फिर जाकर के सम्मेलन की, इतनी सभाएं तो किसी ने नहीं की। और 9 अक्टूबर को माने बहन जी ने लखनऊ में जो 5 लाख लोगों की विशाल रैली की थी, जिसको मीडिया ने दिखाना भी उचित नहीं समझा, शायद मीडिया बहन जी से और बसपा से इतनी नफरत करती है कि वो हमारी रैलियों को दिखाना भी पसंद नहीं करती। लेकिन मैं ये ऑडियो आपने सुना और ऑडियो के बाद में मैं ये कह सकता हूँ कि जो लोग ये कहते हैं कि बसपा कहीं फाइट में नहीं है, उनको ये ऑडियो से समझ लेना चाहिए कि प्रत्येक विधानसभा का यही हाल है। अगर मैं सिर्फ बसपा का कैडर बोर्ड जो 23 या 24% है और थोड़ा सा मुस्लिम और थोड़ा सा ब्राह्मण मिला दूँ इसमें, उत्तर प्रदेश के अंदर 11% ब्राह्मण है, 11 में से मैं मान लूँ कि अगर हमको 4% भी मिल गया और पिछली बार बसपा को 23% वोट मिला था तो 23 और 4 27, और अगर हमको 5% वोट मुसलमान मिल गया तो 32, और 2 से 3% वोट होता है प्रत्याशी का तो 35, यानी कि सरकार बनेगी 30% पे, 5% वोट फिर भी बसपा के पास प्लस में है। जो लोग ये कह रहे हैं कि बसपा फाइट में नहीं है, उनको समझ जाना चाहिए कि बहुत सारी टीम इकट्ठा कर लेने से, बहुत सारे लोगों को इकट्ठा कर लेने से, जो अखिलेश यादव जी ने इकट्ठा की है, चाहे तो उसमें राजभर हों, चाहे वगैरह हों, चाहे दूसरे और अन्य बहुत सारे, कोई पूरी क्रिकेट टीम अखिलेश यादव जी ने बना ली है, बैठने की जगह नहीं है, कुर्सियां कम पड़ रही हैं। लेकिन माने बहन जी ने कहा है कि हमारा गठबंधन सीधा सीधा जनता से है, किसी पार्टी से हमारा कोई गठबंधन नहीं है, और उसी का फल है कि आज बस बहुजन समाज पार्टी के एक प्रत्याशी की घोषणा होने के कारण लोनी के सिटिंग MLA नंदकिशोर गुर्जर साहब जो है वो उनकी कुर्सी खतरे में पड़ गई है, और ऐसा वो खुद स्वीकार कर रहे हैं। तो ये वीडियो बनाने का मेरा मतलब सिर्फ इतना सा ही था कि ताकि आपको सच्चाई पता चल सके। सच्चाई वो नहीं है जो टीवी अखबार दिखा रहे हैं, सच्चाई वो है जो ग्राउंड पे हमारे जैसे लोग आपको बता रहे हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो उसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मुझे दीजिए आज्ञा। फिर किसी दूसरे वीडियो किसी दूसरे विषय के साथ मैं आपसे हाजिर हूँगा, तब तक देखते रहिए राहुल लाइव 85। हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए और आगे इसको बढ़ाइए। धन्यवाद।